हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कैसे बनी प्रिया भी सुपर हीरो? जूनियर रोहित ने क्या कमाल दिखाया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, ऋतिक रोशन आजकल खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। वो अपनी लव लाइफ को लेकर तो चर्चाओं में बने ही हुए हैं, साथ ही वो अपनी फिल्मों पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनकी बकेट लिस्ट में बहुत सारी फिल्में शुमार हैं और बहुत ही जल्द वो अपने पिता और डायरेक्टर राकेश रोशन के साथ फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, कोई मिल गया से लेकर क्रिश 3 तक में ऋतिक रोशन ने अपनी एक्टिंग से जान फूंकी थी और अब बारी है क्रिश 4 को बनाने की और इसमें दमदार एक्टिंग दिखाने की। पिछले साल जून में बॉलीवुड की धड़कन ऋतिक रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइजी के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया था और इसी के साथ अनाउंसमेंट भी किया था क्रिश 4 का। उन्होंने ये भी बताया था फिल्म के बारे में, थोड़ा सा हिंट देते हुए उन्होंने कहा था कि अतीत तो हो गया, अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या लेकर आता है। तो अब होने वाला ये है कि हमारी झोली में एक नया जॉनर आने वाला है, वो है टाइम ट्रैवल का। तो दरअसल अब होने वाला ये है कि नसीरुद्दीन शाह 2022 में क्रिश से बदला लेने आ जाते हैं। दरअसल वो कोई मिल गया के दिनों में चले गए होते हैं और वहाँ से उन्होंने कुछ एलियंस को किडनैप कर लिया होता है और इसीलिए अब वो एक सुपर विलन बन चुके हैं और आए हैं ऋतिक रोशन यानी कि हमारे क्रिश से बदला लेने। वो टाइम मशीन में जाकर 2006 में पहुँचते हैं और वहाँ से कृष्णा और प्रिया के बच्चों को भी चुरा लेते हैं और फिर कृष्णा भी एक टाइम मशीन बनाता है और वापस 2006 में जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर फाइटिंग के दौरान कृष्णा को भी पकड़ लिया जाता है। अब आप देखिए, प्रिया 2006 में बहुत ही हेल्पलेस थी, इसीलिए उसकी मदद के लिए अब जादू आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा सबका इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है जादू को देखने का। क्रिश 4 में हमें जादू फिर से दिखाई देगा। दरअसल होता यह है कि अभी तक तो जादू अपने प्लैनेट को बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अब वो अपने प्लैनेट को छोड़कर अर्थ पे अपने दोस्तों की मदद करने आएगा। जादू फ्यूचर देख सकता है, इसीलिए उसे ये पता है कि कृष्णा और प्रिया फ्यूचर में मुश्किल में पड़ने वाले हैं, इसीलिए अब वो उनकी रक्षा करने के लिए आने वाला है। वो जैसे ही धरती पर आएगा, प्रिया के सर पे हाथ रख के उसे मैजिकल पावर्स दे देगा और इसी के चलते प्रिया में भी सुपर पावर्स आ जाएंगी और फिर वो नसीरुद्दीन शाह से लड़ाई करेंगी अपने कृष्णा को और अपने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट तब आएगा जब लड़ाई के दौरान जादू और प्रिया को भी पकड़ लिया जाएगा। नसीरुद्दीन शाह एक बहुत ही बड़े विलन बन चुके हैं, इसीलिए उनका जो किंगडम है उसमें सिर्फ उनकी ही इच्छा से सब कुछ होता है। इसीलिए जो इनका नसीरुद्दीन शाह को मारने का आइडिया था और उस किंगडम को डिस्ट्रॉय करके, यहाँ तक कि उस टाइम मशीन को भी डिस्ट्रॉय करने का आइडिया था, ये फेल हो जाएगा। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने उस टाइम मशीन के पास बहुत सारी प्रोटेक्शन लगा रखी होगी और एक जाल बिछा रखा होगा जिस जाल में जादू और प्रिया फंस जाएंगे और उन्हें भी कैद कर लिया जाएगा। लेकिन जादू के पास अपनी सुपर पावर्स हैं तो वो उस चंगुल से तो नहीं निकल सकता, लेकिन वो अपनी सुपर पावर्स से रोहित जूनियर को आज़ाद कर देता है। जी हाँ, तो रोहित जूनियर बाहर आकर अब अपना कमाल दिखाता है। रोहित जूनियर बाहर आता है, अपने सुपर पावर्स की मदद से अपने माँ बाप को छुड़ाता है, सुपर विलन को मज़ा चखाता है और उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने भी जाता है। लेकिन अभी भी एक काम बचा है, सबसे पहले तो नसीरुद्दीन शाह के जादुओं को ख़त्म करना और फिर जाकर उस जाल को तोड़कर टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करना। तो अब देखते हैं कि रोहित जूनियर ये सब कर पाता है या नहीं, लेकिन ऐसा हो ही जाएगा क्योंकि उसके साथ जादू, कृष्णा और प्रिया जो हैं अब तीनों के पास सुपर पावर्स हैं, इसीलिए ये सब मिलकर एक बहुत ही बड़ी फाइट एंगेज करने वाले हैं। आगे की कहानी में क्या होता है, कैसे ये टाइम मशीन डिस्ट्रॉय की जाती है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है लावण्या चौधरी ने।